hello students welcome to biology world i am pranka shoran in the previous video we have studied about asexual reproduction and methods of asexual reproduction that is fission budding fragmentation regeneration and today we will study about spore formation and vegetative propagation so let's start first of all what is spore formation spore formation that is also known as sporulation स्पोर का बनना ठीक है द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नॉन एज स्पोरुलेशन स्पोर्स का बनना और रिलीज ठीक है स्पोर्स बनते हैं और उनका जो रिलीज है वो क्या कहलाता है स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन वट आर स्पोर्स स्पोर्स आर द माइन्यूट स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी ऑफ थिन वॉल और दे कैन हैव थिक वॉल ठीक है जो स्पोर्स हैं वो छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनकी जो वॉल है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है स्पोर्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं नाउ व्हाट इज़ मोटाइल मोटाइल मींस जो मूव करता है जिसमें मूवमेंट होती है ठीक है सो मोटाइल और नॉन मोटाइल वो स्पोर्स जिनमें मूवमेंट होती है या जो मूव कर सकते हैं दे आर नोन एज मोटाइल और जिनमें मूवमेंट नहीं होती उनको हम कहते हैं नॉन मोटाइल मोटाइल स्पोर्स को प्लानो स्पोर्स भी कहते हैं और नॉन मोटाइल को ए प्लानो स्पोर्स बोलते हैं ठीक है मोटाइल स्पोर्स के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज प्लानो स्पोर्स और नॉन मोटाइल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ए प्लानो स्पोर्स जो मोटाइल हैं उनको मूवमेंट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक दे हैव फ्लैजिला ठीक है उनमें फ्लैजिला होता है और फ्लेजिला मूवमेंट में हेल्प करता है एग्जाम्पल ऑफ द मोटाइल स्पोर दैट इज जू स्पोर जिसका ओरिजिन क्या है इंडोजिनस है इंडोजिनस का मतलब क्या है वो सेल के अंदर बनता है ठीक है सेल के अंदर बनता है दैट इज इंडोजिनस तो जू स्पोर है उसका ओरिजिन कैसा है इंडोजेनस ऑरिजिन है मतलब वो एक जो बॉडी है या पेरेंट बॉडी है उसके अंदर उसकी इंटरनली उसकी फॉर्मेशन होती है जूस पोर्स में दो फ्लैजिलाज होते हैं ठीक है मूवमेंट के लिए दो फ्लेजिला होते हैं फ्लैजिला दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं जूस पोर्स को बनाने वाली जो बॉडीज हैं दैट इज क्लामाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स एंड फाइटोपथोरा जूस पोर जिनमें बनता है या वो ऑर्गेनिज्म जो एज रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स, दे आर क्लमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स एंड फाइटोपथोरा जूसपोर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं मतलब जो पेरेंट बॉडी पोर्स को बनाती है दैट इज नोन एज जू स्पोरेंजियम ठीक है जूस पोरेंजियम स्पोरेंजियम जहां पर भी वर्ड स्पोरेंजियम आ जाता है मतलब वो पेरेंट बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो जूसपोर जिस पेरेंट बॉडी में बन रहे हैं दे आर नोन एज जूसपोरेंजियम ठीक है और जो जूस स्पोर्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है ठीक है सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस इज द जूस पोरेंजियम और जिसमें क्या है दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं और ऐसे स्पोर्स बनते हैं और इन जूस स्पोर्स की कोई भी सेल वॉल नहीं होती नॉन मोटाइन या ए प्लानोस्पोर्स की बात करें तो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज कॉनीडिया स्पोर बेटा ये क्या है स्पोर का एग्जाम्पल है कॉनीडिया और कॉनीडिया को बनाने वाली बॉडीज हैं दैट इज पेनिसिलिन नोटेटम तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये फनजाई के एग्जाम्पल्स हैं ये एलगी के एग्जाम्पल हैं तो कॉनीडिया किस में बनता है पेनिसिलिन नोटेटम अच्छा पेनिसिलिन नोटेटम से कुछ और याद आया येस दैट इज पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन से डिस्कवर किया गया था किसने किया था बताना जरा यस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक है सोकोनी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनिसिलिन नोटेटम एंड इट इज एक्सोजेनस इन ऑरिजिन बाहर की तरफ बनता है

स तो है ही एक भी लग सकता है एक भी बन सकता है और अ ग्रुप ऑफ कैन बी फॉर्म ठीक है एक कोनीडिया भी लग सकता है पे और चेन भी इनकी बन सकती है दिस इज द स्पोरेंजियम दैट फॉर्म्स द स्पोरेंजियो स्पोर एंड दे आर प्रेजेंट इन द रहीपस एंड म्यूकर लाइक वाइज ओइडिया जो है वो भी क्या है इंटरनली प्रेजेंट रहते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस बाय द तो ये था स्पोर फॉर्मेशन अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन उससे पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लांट्स प्लांट्स के दो पार्ट्स हैं एक वेजिटेटिव पार्ट ठीक है और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया वन इज द वेजिटेटिव पार्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज द सोमेटिक पार्ट ठीक है या वेजिटेटिव बोल दो या सोमेटिक बोल दो और जो दूसरा पार्ट है दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट अब जो सोमेटिक पार्ट है उसमें क्या आएगा दैट इज लीफ ठीक है रूट एंड स्टेम जो लीव्स हैं रूट है और स्टेम है वो किस में आते हैं सोमेटिक पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट सो द वेजिटेटिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ लीफ रूट एंड स्टेम वाइज द रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका किससे बनता है फ्लावर्स या जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की दैट इज फ्लावर और यही हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है मतलब प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर्स करते हैं और उनको छोड़ के लीफ रूट और स्टेम वेजिटेटिव पार्ट बनाते हैं अगर फ्लावर को छोड़ के फ्लावर को साइड में कर दो अगर फ्लावर को छोड़ के लीफ रूट या स्टेम एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है देन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भाई फ्लावर तो करता ही है फ्लावर तो नई जनरेशन प्रोड्यूस करता है प्लांट्स की लेकिन फ्लावर को छोड़ के अगर रूट स्टेम या लीफ एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर रहे हैं देन दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज द बड फॉर्मेशन ठीक है चाहे रूट है या स्टेम है या लीफ है उन पे बर्ड्स बनती हैं और ये जो बर्ड हैं वो एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप नेचुरल टाइप एंड द आर्टिफिशियल टाइप ठीक है नेचुरल टाइप है और आर्टिफिशियल टाइप है नेचुरल की जो नेचर के अकॉर्डिंग उसमें बर्ड्स बन जाती हैं और अपने आप विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लांट अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है वाइल्ड इन द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो ह्यूम्स हैं इधर बाय कटिंग और लेअरिंग और ग्राफ्टिंग न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते दैट इज कि जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस से जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट स्टेम और लीफ में होती है ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट एंड लीफ स्टेम को थोड़ा और डिटेल्स इसमें मॉर्फोलॉजी हम ऐड कर देंगे ठीक है थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी भी हो जाएगा कि सब एरियल स्टेम है या अंडरग्राउंड स्टेम है वो कैसे जो रूट्स बनाते है? मतलब जो नई प्लांट की बॉडी की फॉर्मेशन करती है कहाँ से बर्ड्स बनते हैं सो so, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स एग्जांपल कुछ जैसे फ्लैशी रूट्स हैं लाइक द स्वीट पोटैटो फ्लैशी रूट्स स्वीट पोटैटो इन पे भी बर्ड बनती है एंड दे प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट टैप रूट लाइक गवावा पोपलर मोरैया दे ओल्सो प्रोड्यूस अ न्यू प्लान विद द हेल्प ऑफ बर्ड फॉर्मेशन रूट्स के अंदर अगर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होनी है तो बर्ड का बनना जरूरी है ठीक है विदाउट बर्ड फॉर्मेशन न्यू प्लांट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन अच्छा दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीवस ठीक है क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई लीव्स तो ये हमने पढ़ लिया कि एडवेंटिशियस रूट अच्छा एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है यह भी पढ़ेंगे एक बार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एडवेंटिशियस रूट या फिर एडवेंटिशियस बर्ड ठीक है देखो रूट का बनना है कि जो सिंपल रेडिकल से बनती है ना वो तो होती है सिंपल रूट लेकिन रेडिकल को छोड़ के अगर कोई और पार्ट रूट को बनाता है रेडिकल को छोड़ के रेडिकल के अलावा अगर कहीं और से रूट बनती है दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट ठीक है सिंपल रूट होगी जो रेडिकल बनाता है बट जो एडवेंटिशियस रूट है मतलब जो दूसरा पार्ट है रेडिकल को छोड़ के अदर पार्ट्स है रूट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट और रूट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने के लिए बर्ड की नेसेसरी बर्ड इज इंपॉर्टेंट बर्ड बनेगी तो कहीं और से रूट्स बनेगी तो दैट इज द एडवेंटिशियस रूट नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स लीव्स में भी क्या है ठीक है लीव में नोज होंगी ठीक है जैसे यहाँ पे नोज होंगी और इन नोज पे क्या है बर्ड्स बनेंगी और ये बर्ड्स डिटैच हो जाएंगी पेरेंट बॉडी से डिटैच होने के बाद न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेंगी एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज द ब्रायोफाइलम पत्थर चट का पौधा जिसको बोलते हैं बिगोनिया कैलनकोय सेंट पोलिया एंड एडियंटम दैट इज द वॉकिंग फर्न ठीक है एडियंटम किसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न और किस में आता है ये टेरिडोफाइट्स में ठीक है तो लीव्स में क्या है लीव्स में भी सेम भाई एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती है लीव के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? ये ऐसे नोच की तरह छोट छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं ये डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से एंड दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट तो आज हमने क्या पढ़ा हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा ठीक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स पढ़ा एंड लीव्स पढ़ा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम ठीक है एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू